फर्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, सॉल्व साइन पाई बाय थ्री माइनस साइन इनवर्स माइनस वन बाय टू। सबसे पहले हमें ये रेंज देखना होगा कि क्या साइन इनवर्स माइनस वन बाय टू रेंज में आता है या नहीं। एक बात हमने जान ली थी कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इज ऑलवेज साइन इनवर्स एक्स विद द नेगेटिव साइन आउटसाइड। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स हाफ। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। साइन इनवर्स हाफ हमें क्या मिलेगा, माइनस ऑफ पाई बाय थ्री, पाई बाय सिक्स। एक यहाँ पर ये पाई बाय थ्री माइनस ऑलरेडी है, माइनस ऑफ पाई बाय सिक्स, ये बन जाएगा पाई बाय थ्री प्लस पाई बाय सिक्स, एंड व्हाट विल दैट गिव अस, सिक्स एंड थ्री नाइन, सो दिस गिव्स अस पाई बाय टू। तो हमारे पास ये साइन तो अभी है ही, ये तो लेना ही है। व्हाट विल बी साइन पाई बाय टू, दैट विल गिव अस वैल्यू वन। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, जहां पर वैल्यू आ रही है वन। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ वाई इज इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स, देन अब टैन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या आनी है, वही वाई की वैल्यू आएगी, और ये पूरा आपको रेंज दिया हुआ है। तो टैन इनवर्स एक्स की रेंज हमें वैसी ही मालूम है, कहाँ पर होती है, माइनस पाई बाय टू से लेके पाई बाय टू। सो द लास्ट ऑप्शन अगेन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, आप उसको टिक कर लेंगे। दिस इज डायरेक्ट फ्रॉम डेफिनेशन, इसमें कुछ भी सॉल्व करने का नहीं है। तो आपको डोमेन और रेंज ये सारे के सारे लर्न होने चाहिए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पर आ जाते हैं। वैल्यू ऑफ टैन इनवर्स टैन थ्री पाई बाय फोर। नाउ लेट अस सी, टैन इनवर्स ये पूरा एक्स है। ठीक है, तो टैन इनवर्स एक्स हमारे पास कहाँ डिफाइंड होता है, इसका रेंज आता है माइनस पाई बाय टू से लेके पाई बाय टू के बीच में। क्या थ्री पाई बाय फोर यहाँ लाई करता है, तो थ्री पाई बाय फोर डज नॉट बिलोंग टू माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू। ठीक है, ऐसे ही समझ लीजिए, ये है पाई बाय टू और ये है माइनस पाई बाय टू। तो यहाँ से यहाँ तक टैन इनवर्स एक्स का रेंज होता है, लेकिन थ्री पाई बाय फोर वो कितना आएगा, वो एंगल इधर आएगा, तो दिस विल बी थ्री पाई बाय फोर, वो इस रेंज के बाहर है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हम इसको पाई माइनस की वैल्यू ले लेते हैं। तो थ्री पाई बाय फोर विल बी टैन ऑफ पाई माइनस पाई बाय फोर। सॉल्व करके देखिए, टैन ऑफ थ्री पाई बाय फोर विल बी इक्वल टू पाई माइनस पाई बाय फोर। ठीक है, राइट, और टैन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है हमें पता है, दैट विल बी टैन पाई बाय फोर, एंड दैट इज गोइंग टू बी, व्हाट इज दैट गोइंग टू बी, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में टैन आते हैं नेगेटिव, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ वन। ठीक है, अब ये तो वैल्यू अभी आई है टैन थ्री पाई बाय फोर की, हमें निकालना है टैन इनवर्स ऑफ, सो टैन इनवर्स ऑफ माइनस वन नेगेटिव वन, और ये हमें फिर से फॉर्मूला पता है, ये हो जाएगा टैन इनवर्स ऑफ वन विच विल बी माइनस ऑफ पाई बाय फोर। ठीक है, सो हमारे पास ऑप्शन कौन सी है माइनस पाई बाय फोर में, सेकेंड ऑप्शन, तो माइनस फाइव बाई फोर इज द करेक्ट आंसर। ध्यान से देख के समझिए, यहाँ पर हमने फिर से वो फॉर्मूला लगाया है जो हम पढ़ चुके हैं, कौन सा, टैन इनवर्स ऑफ नेगेटिव एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ टैन इनवर्स एक्स। ठीक, तो ध्यान से इन चीजों को देखिए और समझिए। ओके, हो गया, नोट कर लीजिएगा जल्दी जल्दी से इन्हें। क्वेश्चन नंबर फोर, वैल्यू निकालनी है साइन इनवर्स साइन टू पाई बाय थ्री की। अब साइन इनवर्स और साइन हमें पता है, अगर एक्स है तो यहाँ पर एक्स आ जाएगा, लेकिन एक्स शुड बिलोंग टू माइनस पाई बाय टू से लेके पाई बाय टू। तो क्या टू पाई बाय थ्री है इसमें, फिर से देख लेते हैं, ये है पाई बाय टू और ये है माइनस पाई बाय टू, यहाँ पर होना चाहिए ना ये साइन इनवर्स एक्स इसकी रेंज, तो टू पाई बाय थ्री मतलब कुछ इधर। ठीक है, तो अगेन अगेन ये इस रेंज के बाहर है, तो फिर हम क्या करें, हम टू पाई बाय थ्री को लिख सकते हैं साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाय थ्री, व्हाट विल दैट बी,
साइन ऑफ पाई बाई थ्री। सेकेंड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है साइन, ठीक है, ये याद रखना है हमें, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव। सो ये आपके पास आ गया साइन पाई बाई थ्री। नाउ यू कैन राइट साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाई थ्री। और अब क्या आ गया, ये ऐसे हम लिखते हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन एस इज एक्स, अगर वो इस रेंज में है तो ये बिल्कुल पाई बाई थ्री इधर रेंज में आ गया, तो सीधे से हमारे पास आंसर आ गया पाई बाई थ्री। एंड वो कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी पाई बाई थ्री इज द करेक्ट आंसर। प्लीज इनको अच्छे से समझ लीजिए एंड नोट देम डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टैन इनवर्स थ्री। नाउ द प्रिंसिपल वैल्यू, हमें पता है जो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास आनी चाहिए, तो अगर हम लिखते हैं टैन इनवर्स ऑफ अंडर रूट थ्री को वाई, तो इसका मतलब क्या होता है, टैन ऑफ वाई शुड बी इक्वल टू अंडर रूट थ्री। और जो हम वो टेबल जानते हैं सबसे पहले वैल्यूज का, ऐसे में हमारे पास वाई की वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, टैन 60 डिग्री के लिए होता है ये रूट थ्री, है ना, 60 डिग्रीज को हम क्या लिखते हैं पाई बाई थ्री। तो हमारे पास ऑप्शन आ गया ए पार्ट करेक्ट पाई बाई थ्री। ठीक है, बहुत ही सिंपल था, नोट करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स, वैल्यू ऑफ कॉस साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। अगेन दिस इज वेरी सिंपल, हमने ये पढ़ लिया एक फॉर्मूला, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज ऑलवेज पाई बाई टू। तो कॉस पाई बाई टू, बहुत सिंपल है हमारे लिए ये जानना क्या करेक्ट आंसर होगा। यस वेरी गुड, इट विल बी जीरो। सो जीरो इज द करेक्ट आंसर, दैट्स राइट। नेक्स्ट इज दिस क्वेश्चन, जिसमें फिर से कुछ सॉल्व करना है। हम सबसे पहले सबसे अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, और वो क्या है, टू, ओके, टू साइन इनवर्स वन अपॉन टू। ठीक है, तो बताइए क्या वैल्यू आएगी साइन इनवर्स वन अपॉन टू, कब होता है वन अपॉन टू साइन थीटा, बताइए। दिस इज फॉर, दिस विल बी फॉर टू मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय सिक्स। ठीक है, 30 डिग्रीज होता है ना, ओके, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमारे पास आ गया पाई बाय थ्री। अब हम ये ब्रैकेट तो सॉल्व कर चुके, अब ये ले लेते हैं, मतलब हमें क्या लेना है, कॉस ऑफ पाई बाय थ्री। ठीक है, वॉट इज कॉस पाई बाय थ्री, जल्दी से, रूट थ्री अपॉन टू। ठीक, अब ये वाला जो टू है ये भी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा टैन इनवर्स। नाउ टैन इनवर्स ऑफ अंडर रूट थ्री, अगेन वी नो व्हाट इज द आंसर, दिस इज 60 डिग्रीज विच वी राइट इट एज पाई बाय थ्री। ओके, सो नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी, एंड ध्यान ये रखिए कैसे कर रहे हैं, सबसे पहले सबसे अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व, फिर एक एक एलिमेंट जो उसके बाहर आ रहा है सबको लेंगे, छोड़ना नहीं कुछ भी। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व। थोड़े से क्वेश्चंस अब हम ले लेते हैं डेरिवेटिव्स के, जो भी हम चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो लेट अस सी अगर इसके एमसीक्यूज आते तो वो आप उनको टिक कर लेते। ठीक है, तो एमसीक्यूज फिलहाल मैं चॉइसेस नहीं दे रही, लेट्स वर्क आउट द आंसर्स। तो बताइए हमें डीवाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, यहाँ पर तो आपको मिल ही जाएगा डीवाई बाई डी एक्स। अब लॉग की टर्म है तो वन अपॉन ई रेस टू पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाय क्या आ जाएगा, ई रेस टू पावर एक्स का डेरिवेटिव सॉल्व कर लेंगे तो वन। वैसे भी आपको पता है लॉग एंड ई आर इनवर्स टर्म्स, तो लॉग ऑफ ई एक्स शुड गिव यू एक्स, एंड जब आप इसका डिफरेंशिएट करेंगे, इसको इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो ऑब्वियसली वो आपको मिल जाएगा वन। ठीक है, दोनों तरह से रीजन क्लियर हो गया सबको, ओके ग्रेट। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑन लॉग्स, फिर से हम इसका डीवाई बाई डी एक्स निकालेंगे, आपके पास जो भी ऑप्शंस दी हुई होंगी आप उस हिसाब से करेक्ट ऑप्शन को टिक कर लेंगे। ठीक है, वो ऑब्वियसली फिलहाल हम इसके डेरिवेटिव पर अगर ध्यान दें डीवाई बाई डी एक्स, तो लॉग है इसलिए हम ले लेंगे वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, जो भी टर्म यहाँ पर होती है हम उसे अपॉन में रख लेते हैं, बट क्योंकि ये सिंपल एक्स नहीं है तो चेन रूल से हम वन माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, डेरिवेटिव का ये सिंबल है, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ वन, जीरो है कॉन्स्टेंट, माइनस
2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, तो ये आपके पास आ गया माइनस 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अलग अलग टर्म्स आपको दी हुई हो सकती हैं, log 1 प्लस x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो सकता है, फिर आपके पास क्वेश्चन आ सकता है log ऑफ सपोजिंग 1 माइनस x क्यूब हो सकता है, देन log ऑफ सिर्फ x 4 अपॉन 20 हो सकता है। तो किसी भी तरह के पॉलिनोमियल्स आपके पास आ सकते हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। 2 प्लस 25 x की पावर 5, किसी भी तरह से क्वेश्चंस हो सकते हैं, पर डेरिवेटिव निकालने का मेथड यही रहता है, यू शुड टेक केयर ऑफ द चेन रूल। ओके, तो प्रैक्टिस कर लीजिए बल्कि इन चारों को भी, ठीक। ओके, नाउ अगेन वी नीड टू फाइंड द डेरिवेटिव, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x की पावर 4। ओके, तो दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे, इधर तो dy by dx आ गया। tan इनवर्स का फॉर्मूला हमें पता है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। तो ये ध्यान रख लो, ये x है, इसका स्क्वायर करना है, क्या करेंगे फिर उस हिसाब से, 1 अपॉन 1 प्लस, यहाँ ये जो भी टर्म है उसका करेंगे स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या टर्म है, x रेज टू पावर 4, अब ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लेकिन क्योंकि ये सिर्फ x नहीं है, तो ये जो भी है ब्रैकेट के अंदर, इसका डेरिवेटिव भी एक बार हम लिखेंगे। क्या होता है x की पावर 4 का डेरिवेटिव, 4x³ अपॉन 1 प्लस x रेज टू पावर क्या आ जाएगा, 8, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया आंसर। अब MCQs में बिल्कुल उसी हिसाब से आप इसे टिक कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो क्लियर। इसी तरह आप इसको अगर सेम करना है तो प्रैक्टिस आप क्या कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं y इज इक्वल टू cot इनवर्स x की पावर 4, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं y इज इक्वल टू tan इनवर्स ही हम ले लें, 1 प्लस x की पावर 4, ठीक है। हम ले सकते हैं tan इनवर्स कुछ भी, जो भी पॉलिनोमियल्स हो, 25 प्लस x की पावर 6, व्हाटएवर, कुछ भी दिया जा सकता है, फॉर्मूला उसी हिसाब से लगेगा। बस ये जो फॉर्मूला है इसका आपने बहुत 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 ध्यान रखना। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट पर आ जाते हैं जल्दी से। अगेन यू नीड टू फाइंड dy by dx। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में जिस तरह से भी ऑप्शंस आएंगी, यू कैन टिक देम। नाउ e की पावर y आ रहा है इसमें, तो डिफरेंशिएट ही कर देंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन है ये, करना तो उसी तरह से है, फॉर्मूलाज वही लगते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा हमें, 3 इंटू x का डेरिवेटिव 3 प्लस e रेज टू पावर y सेम आएगा, लेकिन साथ में चेन रूल मल्टीप्लाइड बाई dy by dx, k कांस्टेंट होता है, इसका डेरिवेटिव आ गया 0, right? Okay. Now, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, so dy by dx is equal to e raised to power y into dy by dx is equal to minus 3 and सिर्फ dy by dx हमें चाहिए, तो हम कर देंगे minus 3 divided by e raised to power y, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं minus 3 multiplied by e raised to power minus 5, depend करता है आपको ऑप्शन में कौन सा आंसर दिया होगा MCQ में, उस हिसाब से टिक करेंगे। और अगर आपको खुद सॉल्व करना है तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं और यहाँ तक भी इस आंसर को ले जा सकते हैं, ठीक है। ओके, तो नोट करते जाएंगे एंड प्रैक्टिस करते जाएंगे। टर्म्स यहाँ कुछ भी हो सकती हैं, एक्स के फंक्शंस हो, कांस्टेंट्स हो, यहाँ पर साथ में के मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है, तो वो आप साथ में मल्टीप्लाई करते चलेंगे, के की जगह कुछ और भी हो सकता है, नंबर दिया जा सकता है, ठीक है, यहाँ पर तो ये अपॉन में ही रहेगा, तो वो उन चीजों का आप ऑब्वियसली ध्यान रखेंगे, बट बेसिकली फॉर्मूलाज जो है वो ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, dy by dx फिर से निकालना है। ओके, सो अगेन इसमें बहुत सारे और क्वेश्चंस बन जाएंगे, y इज इक्वल टू tan इनवर्स किया जा सकता है इसको, tan इनवर्स एक्स क्यूब, फिर आपके पास आ सकता है y इज इक्वल टू cot इनवर्स वही 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू cot इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हर बार थोड़ा थोड़ा जो चेंज आएगा आंसर्स में वो आपको ध्यान रखना है, cot इनवर्स ऑफ 2 माइनस 25 एक्स की पावर 5, या y इज इक्वल टू
cot inverse 6 plus x की पावर 4 अपॉन 3, कुछ भी, इनफैक्ट ये सारे के सारे आप इनको जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके लिए अच्छा ही रहेगा। फॉर्मूला लगाने के लिए बताइए फॉर्मूला क्या होता है cot inverse x के डेरिवेटिव का। cot inverse x का डेरिवेटिव tan inverse x के साथ मिलता जुलता है, बस नेगेटिव लग जाएगा, माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पर हमें dy by dx क्या मिलने वाला है। ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन वन प्लस, जो भी यहाँ पर एंगल है उसका स्क्वायर आपको करना है। यहाँ पर एंगल है एक्स क्यूब, आप लिख दीजिए उसे, लेकिन साथ में चेन रूल लगाते हुए क्या करेंगे, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कर देंगे। ठीक है, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लिख देंगे, व्हाट इज दैट, माइनस यहाँ पहले से है, थ्री एक्स स्क्वायर आ जाएगा डेरिवेटिव, वन प्लस एक्स की पावर 6। ठीक है जी, हो गया ये आंसर, आई होप द थिंग्स आर वेरी क्लियर। बस आपको ये प्रैक्टिस जरूर कर लेने चाहिए कुछ क्वेश्चंस, सो दैट आपकी स्पीड भी बनी रहे, फॉर्मूला भी याद हो जाए और गलती ना हो, ये वही हमारा मेन एम है ना। ओके ठीक है, इसको आप अच्छे से ध्यान से करिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, अभी हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। अब ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में भी वाई है, राइट हैंड साइड में भी वाई है, इम्प्लिसिट फंक्शन है ये, जहाँ एक्स और वाई एक साथ दिए हुए हैं, बट अंडर रूट के अंदर y, उसके साथ भी dy by dx आएगा जब डेरिवेटिव निकालेंगे, तो फिर बेस्ट ऐसे में क्या होता है, हमेशा आप इस अंडर रूट को हटा दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, सो दैट हमें dy by dx स्क्वायर रूट के अंदर नहीं संभालना पड़ेगा। यहाँ पर तो ऑब्वियसली आ गया y स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट हट गया, वी हैव साइन x प्लस y, वेरी इजी टू डिफ्रेंशिएट नाउ। ठीक है, तो कैसे कर रहे हैं हम ये डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट करेंगे 2 इंटू वाई मल्टीप्लाइड बाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, क्लियर है चेन रूल। साइन एक्स का डेरिवेटिव बहुत सिंपल, अगेन कॉस एक्स, और वाई का फिर से हम लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो बस बहुत ईजी हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स दोनों तरफ से कलेक्ट कर लेंगे। इस टर्म को अगर हम यहाँ ले आए और डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2y-1। ठीक है, इसके साथ 1 ही का मल्टीप्लाइड मानेंगे, this is equal to cos x and so dy by dx you will get as cos x upon 2y-1। ठीक, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे, यहाँ sin x की जगह cos x लिखा जा सकता है, tan x लिखा जा सकता है, कुछ भी y की जगह यहाँ पर अगर हम y स्क्वायर कर दें तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से हम आगे कर लेंगे जैसे हम करना जानते हैं, और MCQs अगर दिए होंगे तो चॉइसेस में उसी हिसाब से आप टिक मार्क कर लेंगे। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। ओके, नेक्स्ट पर आ जाते हैं। अब आपको पता है y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन लिखा जाता है, तो अगर यहाँ पर y नहीं भी दिया तो क्या फर्क पड़ रहा है, एफ एक्स भी तो एक फंक्शन है और हम डेरिवेटिव को y डैश भी तो लिखते हैं, तो इसी तरह से हमने एफ डैश एक्स लिख दिया, लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू दे रखी है, ये ध्यान रखेंगे। ओके, लेकिन पहले तो डेरिवेटिव निकालना ही है, उसके बाद एक पर्टिकुलर वैल्यू पे निकाल लेंगे इसे। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन। यहाँ इस मॉड का क्या मतलब है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, विच ओनली मीन्स यू हैव टू टेक पॉजिटिव वैल्यूज ऑल द टाइम, और उसका कोई मतलब नहीं है। डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, cos x का डेरिवेटिव क्या आ गया, माइनस साइन एक्स, फॉर्मूले में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, और नेगेटिव का साइन वही रखिए, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। ठीक है, आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू है, आप माइनस के साइन को कॉमन ले सकते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब नेगेटिव साइन और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपको मिलेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, आप चाहें तो उसे रख भी सकते हैं, नो इश्यूज। ये तो आ गया एफ डैश एक्स, लेकिन आपको चाहिए एफ डैश एट पाई बाई थ्री, इसका मतलब एफ डैश पाई बाई थ्री निकालने के लिए हमें एक्स को रिप्लेस करना है, हम कर देंगे साइन पाई बाई थ्री प्लस कॉस पाई बाई थ्री। ठीक है, बता दीजिए क्या होती है इनकी वैल्यूज, हम सबको पता है, सबको पता है, थ्री बाई टू प्लस कितना आ गया, रूट थ्री प्लस वन अपॉन। ठीक है, तो फिर अगर एमसीक्यूज है तो उसी तरह से जो भी ऑप्शन दी हुई होंगी आप उन्हें टिक मार्क कर लेंगे, चारों में से जो भी ये वाला आंसर होगा। इसी तरह से बेटा आप और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लीजिए या यहाँ पर और वैल्यूज लीजिए। चलिए आप एक प्रैक्टिस कीजिएगा, व्हाट इज एफ इनवर्स,
2π/3, ठीक है। और एक प्रैक्टिस कीजिए, व्हाट इज एफ एफ डैश डेरिवेटिव एट π/4, दोनों की वैल्यूज निकालिए और होमवर्क में सबमिट कीजिए मुझे, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, आज का लास्ट। अगेन इम्प्लिसिट फंक्शन है जिसमें x और y दोनों टर्म्स दी हुई है, इसको एमसीक्यू के फॉर्म में प्रेजेंट ही कर दिया है मैंने, चारों ऑप्शंस आपको दे दी। अब ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, एक कर्व है, और यहाँ dy/dx एट इसको पॉइंट की तरह लिख दिया बेटा, अगर हम इसका ग्राफ बनाए तो बना सकते हैं ना, तो इसको पॉइंट की तरह लिख दिया, मतलब एक्स की वैल्यू आपको दी हुई है 1/4, वाई की वैल्यू आपको दी हुई है 1/4, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बिल्कुल देख लेंगे, इसके डेरिवेटिव निकाल लेते हैं पहले। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स क्या मिलता है, रूट एक्स का फॉर्मूला हमें पता है, 1/2√x, यही आता है ना डेरिवेटिव। रूट वाई के लिए भी वही आएगा 1/2√y, ओनली डिफरेंस इज साथ में हमें लिखना होगा dy/dx, और 1 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव आ गया 0। तो निकाल लेते हैं व्हाट विल बी dy/dx, इट विल बी -1/2√x डिवाइडेड बाय, ठीक है, ये तो यहाँ नेगेटिव था चला गया, इससे डिवाइड करेंगे किससे, 1/2√y से, मतलब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2√y, यहाँ नेगेटिव है 2√x, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ये इसे 2 कैंसिल, √y/√x। नाउ दिस इंप्लाइज dy/dx एट, अब x और y की वैल्यू हमें दी हुई है, अब हमारे ये काम आ जाएगी, एट x इक्वल टू 1/4 एंड एट y इक्वल टू 1/4 इज इक्वल टू, तो √1/4 अपॉन अगेन √1/4, तो क्या है हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन, दोनों ऊपर नीचे से कैंसिल आउट हो गए, हाँ वी हैव अ नेगेटिव 1, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे लिए, ऑप्शन सी करेक्ट है, जहां हमारे पास आंसर आ रहा है -1, ठीक है। सो आई होप ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए हैं, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, रिवीजन कीजिए, और इनमें जो थोड़े बहुत अगर चेंजेस आते हैं, जैसे मान लो यहाँ कोई 2 लिख दे, यहाँ 3 लिख दे, या यहाँ पर फिर से एक एक्स स्क्वायर लिख दे, ठीक है, कुछ भी छोटे छोटे चेंजेस आ सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस करते रहेंगे हम, आप अपने आप भी क्वेश्चंस बना के चेंज करके ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट।